हेलो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कर्तरीवाचक संज्ञा पढ़ने वाले हैं। ये हिंदी व्याकरण का एक भाग है, तो आप ग्रामर के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि इसके जो भी एग्जांपल्स दिए जाएं और उसमें से आपको ये कहा जाए कि कर्तरीवाचक संज्ञा शब्द को अलग करें। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि कर्तरीवाचक संज्ञा होता क्या है। कर्तरी अर्थात कर्ता या कर्म करने वाला, वे शब्द जो किसी काम के करने वाले का बोध करते हैं उसे कर्तरीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो काम करने वाले का बोध कराए ऐसा शब्द होता है कर्तरीवाचक संज्ञा। जैसे खोज करने वाला खोजी, शिकार करने वाला शिकारी। अब कुछ प्रश्न हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तरीवाचक संज्ञा बताइए। फर्स्ट है गंतव्य आते ही गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी। गंतव्य, गाड़ीवान, गाड़ी या रोक, तो इसका सही आंसर होगा गाड़ीवान। नेक्स्ट है दिनकर के निकलते ही संसार भर में प्रकाश फैल गया। दिनकर अर्थात सूर्य, संसार, प्रकाश या फैल, तो इसका सही आंसर होगा दिनकर। नेक्स्ट है शिक्षा देते हुए शिक्षक ने अपने शिष्यों को जीवन संदेश भी दिया, तो इसमें कर्तरीवाचक क्या होगा, शिक्षा, शिक्षक, अपने या शिष्य, तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक, शिक्षा देने वाला शिक्षक। नेक्स्ट है खेल दौरान खिलाड़ी ने अपने सारे कौशल दिखाए। इसका ऑप्शंस है खेल दौरान खिलाड़ी या कौशल, तो खेल खेलने वाला खिलाड़ी होता है, तो इसका सही आंसर होगा खिलाड़ी। नेक्स्ट है कहानीकार ने अपने कहानी की कथा वस्तु का बीज एक सत्य घटना से लिया। इसका ऑप्शन है कहानीकार, कहानी, कथा वस्तु या घटना, तो इसका सही आंसर होगा कहानीकार। नेक्स्ट है आजकल लोक प्रतिनिधि सेवक की भूमिका कम ही अदा करते हैं। आजकल लोक प्रतिनिधि सेवक या भूमिका, तो सेवा करने वाला उसे हम सेवक कहते हैं, तो यहाँ कर्तरीवाचक संज्ञा होगा सेवक। नेक्स्ट है पुराने ज़माने में राजा कई लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे, तो पुराने, राजा, लोग या गुलाम, तो यहाँ गुलाम शब्द कर्तरीवाचक संज्ञा है, गुलाम यानी गुलामी करने वाला। नेक्स्ट है कभी कभी संपत्ति का भोगी उसका मालिक नहीं होता। इसके ऑप्शन है संपत्ति भोगी, मालिक या नहीं, तो इसका सही आंसर होगा भोगी, भोग करने वाला भोगी। नेक्स्ट है भयंकर स्वप्नों को देखकर व्यक्ति की नींद उड़ जाती है, तो भयंकर स्वप्न, व्यक्ति या नींद, तो इसका सही आंसर होगा भयंकर यानी डरावना सपना। नेक्स्ट है सुनार ने स्वर्ण से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियां बनाई, तो इसका ऑप्शन है सुनार, स्वर्ण, प्राचीन या कलात्मक, तो कर्ता करने वाला यानी सुनार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया। सम्राट, पहरेदार, मारना या कारण, तो पहरा देने वाला पहरेदार, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है शिशुपाल को अपराधी का पता चल गया। शिशुपाल, अपराधी, पता या चल, तो अपराध करने वाला अपराधी सही आंसर है। नेक्स्ट है न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक का सेवक था।
न्याय मंत्री, शिशुपाल, सम्राट या सेवक। सेवा करने वाला सेवक यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट है मंत्री महोदय स्वयं निर्णायक नहीं हो सकते। मंत्री महोदय स्वयं या निर्णायक, तो इसका सही आंसर होगा निर्णायक, निर्णय करने वाला निर्णायक। फिफ्थ है वह सम्राट के सामने राष्ट्र मुद्रा वापस लेने के लिए प्रार्थी बनकर खड़ा था। इसका ऑप्शन है सम्राट, राष्ट्र मुद्रा वापस या प्रार्थी, तो यहाँ होगा प्रार्थी सही आंसर है। नेक्स्ट है उसने मूर्तिकार को बुलाकर सोने की मूर्ति बनवाई। इसके ऑप्शन है मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला, बुलाकर सोना या मूर्ति, तो मूर्ति बनाने वाला जिसे हम मूर्तिकार कहते हैं, तो यहाँ सही ऑप्शन होगा मूर्तिकार। नेक्स्ट है कवि सत्य, शिव और सुंदर के आराधक है। आराधना करने वाला वो होता है आराधक, तो इसका ऑप्शन है कवि, सत्य, शिव या आराधक, तो इसका सही आंसर है आराधक। नेक्स्ट है दुर्बलों के रक्षक साहस करने वाले लोग होते हैं। ऑप्शन है दुर्बल, रक्षक, साहस या लोग, तो रक्षा करने वाले रक्षक होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा रक्षक। नेक्स्ट है हम चाहते हैं कि सब एक दूसरे के हितैषी बने। हितैषी यानी सबका भला चाहने वाले। ऑप्शन है हम, सब, एक या हितैषी, तो इसका सही आंसर होगा हितैषी। फोर्थ है हम सब मनुष्यता के पुजारी बने तभी धरती पर स्वर्ग उतरेगा, तो इसमें ऑप्शन है मनुष्यता, पुजारी, धरती या स्वर्ग, तो पूजा करने वाले पुजारी होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा पुजारी। तो इसमें हमने देखा कि कर्तृवाचक संज्ञा अर्थात कर्ता अर्थात कर्म करने वाला व्यक्ति कौन है, वो होता है कर्तृवाचक संज्ञा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इसके उदाहरण समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।